मोदी सरकार ने कल एक एग्रीमेंट किया जिहदा नाम द फार्मर्स एग्रीमेंट प्राइसिस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस आर्डिनेंस 2020 जिहड़ा कि किसानों लई बहुत मारू है। MSP जिहड़ी वो खत्म करने दीआं तैयारियां कीतीआं जा रही हैं। जिहड़ा मंडी बोर्ड ढांचा बनिया उन्हूं खत्म करने दीआं तैयारियां कीतीआं जा रही ने। RTA सिस्टम खत्म किया जा रहा है। इस आर्डिनेंस के आने नाल सारे हिंदुस्तान के किसान खत्म हो जाएंगे तो खेती का किता वे कारपोरेट घराने लै जाएंगे। ये फैसला देता है भी किसान की फसल जी है व्यापारी जितों मर्जी खरीदूगा। व्यापारी ने किसान तो लुटदे भा खरीद के उन्हूं स्टोर करके फिर महंगी बेचूगा तो किसान का जोड़ा भा वो कट जाऊगा। सिंगल स्टेट फूड जोन के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन पहला भी बहुत बड़ा जदोजहद कर चुकी है। किसान से कोई पाबंदी नहीं। जोड़ा 6-20 एक्ट वो भी खत्म किया जा रहा है ताकि व्यापारी कोई फीस ना देनी पवे। वो किसान की लुट करे तो बड़िया कंपनियां आ जाए तो किसान अगे ही करजाई आ होर करजाई हो जाए। अमरीका की नीति लिया जा रही जे अमरीका च यह नीति खेतीबाड़ी की फेल हुई है चाइना रशिया च फेल हुई है वो नीतियां दोबारा अजमाउण की लोड़ नहीं। अमरीका आपके किसानों 80% सबसिडी दिंदा है। इत्थे एक रुपया भी किसान सबसिडी नहीं सगों उन्हां दी फसल सस्ते पाते लुट के उन्हां नूं कर्जा दे के महंगे पाते सुसाइड करन वल प्रेरिया जा रहा है। यह जिहड़ा एक्ट 2020 मोदी जी ने लिया असी भारतीय किसान यूनियन वालों इहदी सख्त विरोधता करदे हां। छेती सारियां किसान जथेबंदियां नूं सद के आल इंडिया लैवल ते इस एक्ट के खिलाफ असी वड्डी जदोजहद करांगे। बड़े दुख की गल है ये नोटिफिकेशन लैन का कैबिनेट पार्लीमेंट च एजेंडा ही नहीं आया। कोई पार्लीमेंट च बहस नहीं हुई किसी किसानों नाल राय नहीं की गई। ये काले एक्ट नूं असी कदे बर्दाश्त नहीं करांगे।